हुआ है और आप देख रहे हैं फैक्ट एंड फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे ही जितने भी डिफरेंसेस हैं बिटवीन वाइट राइस एंड ब्राउन राइस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा दोनों के बीच के डिफरेंसेस का, उनके अंदर कितने परसेंटेज किस मिनरल का एंड किस न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट होता है, सो दैट आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं ब्राउन राइस एंड वाइट राइस में। तो पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर ब्राउन राइस एंड वाइट राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही राइस है एंड दोनों ही एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, बट दोनों में एक बिग डिफरेंस होता है। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जैसे ब्राउन राइस बनता कैसे है। तो ब्राउन राइस एक होल ग्रेन होता है, एंड जब मैं उसको बोलता हूँ वो एक होल ग्रेन है, होल ग्रेन इन द सेंस उसके ऊपर उसकी एक शेल होती है एंड या कवर होता है, एंड उस शेल या कवर को बोला जाता है ब्रान, एंड हिंदी में उसको बोलते हैं चोकर या भूसी। एंड ऑन द अदर हैंड वाइट राइस कैसे बनता है, अगर मैं सेम उसी ब्राउन राइस का उसमें से कवर उतार दूंगा, उस शेल को रिमूव कर दूंगा, ब्रान को रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, नॉन न्यूट्रिशियस लेस न्यूट्रिशन वाला वाइट राइस। तो अभी हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्राउन राइस जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ब्राउन राइस एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दोनों राइस एंड वाइट राइस बोथ आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हम बोलते हैं बोथ आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ब्राउन राइस क्या होता है, ब्राउन राइस एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। एंड जब मैं उसको बोलता हूँ वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इट मीन्स कि वो स्लो डाइजेस्टिंग कहाँ पर है, वो बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट जो होता है वो होता है वाइट राइस, जो क्या होता है, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब। एंड जब मैं फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब बोलता हूँ या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फास्ट डाइजेस्टिंग, तो वो बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इन दोनों के न्यूट्रिशनल कंटेंट कैसे होते हैं, न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के अंदर। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्राउन राइस के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर कैसे होगा, क्योंकि जो उसके पास शेल होती है, भूसी होती है, चोकर होता है, या उसको हम ब्रान बोलते हैं, उसी के अंदर सारा फाइबर एंड न्यूट्रिशन कॉन्टेंट प्रेजेंट होता है। तो जब हम वाइट राइस कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो सारा न्यूट्रिशियस कंटेंट नहीं है, ना तो उसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया प्रोसेस करके ब्राउन राइस को। एंड ऑन द अदर हैंड ब्राउन राइस एकदम फुल ऑफ फाइबर्स होता है। तो अब हम इन दोनों का समझेंगे कि हम इन दोनों को कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर हमको यू नो इफ यू वॉन्ट टू गेन मसल, इफ यू वॉन्ट टू लूज फैट, तो हमें कौन सा राइस खाना चाहिए एंड कब खाना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई मील हमको वर्कआउट से पहले लेनी है, देन हम उसमें ब्राउन राइस ऐड करें। ब्राउन राइस क्यों, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होगा और पूरे वर्कआउट के टाइम तक हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड जब बात आती है वाइट राइस की, तो उसको मैं लेना प्रेफर करूंगा आफ्टर वर्कआउट इसीलिए क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, और वर्कआउट के बाद क्या होता है, हमारे इंसुलिन लेवल स्लो होते हैं, हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीटेड होता है, तो ऑब्वियसली मसल को कुछ जल्दी फास्ट डाइजेस्टिंग चाहिए होता है, सो दैट रिकवरी जल्दी से फास्ट हो जाए। तो उस केस में मैं वाइट राइस के साथ जा सकता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यू नो इफ समबडी इज डूइंग ऑफिस जॉब, लाइक जहाँ पर हमें डेस्क पर बैठना पड़ता है, लाइक 9 to 6, जिसमें 9 घंटे हमें डेस्क पर ही बैठना पड़ता है कंटिन्यूसली, जैसा कि मैं भी एक जॉब करता हूँ 9 to 6 की, तो उस केस में हम ब्राउन राइस को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ वाइट राइस। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्राउन राइस क्या होता है, उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वाइट राइस। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अराउंड 50 एंड वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अराउंड 90। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसी वैल्यू है जो डिसाइड करता है कि यू नो जो फूड है वो कितनी जल्दी ब्लड में यू नो डिजॉल्व होने वाला है या ब्लड शुगर लेवल्स पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ब्राउन राइस क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइबर, उसके अंदर भी इंसुलिन स्पाइक होगा, बट फाइबर की प्रेजेंस की वजह से वो क्या करेगा, इंसुलिन स्पाइक बहुत कम करता है या स्लो करेगा बहुत। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट वाइट राइस इंसुलिन स्पाइक बहुत फास्ट करता है। तो ये एक उन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। और अब मैं बात करूंगा उन दोनों के अंदर प्रेजेंट विटामिंस एंड मिनरल्स की, ब्राउन राइस में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है,
एंड एट द सेम टाइम राइस में कौन सा विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट है? तो ब्राउन राइस में गाइस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, मैग्नीज प्रेजेंट है, देन हम बात करें तो उसमें जिंक प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और इन सब की परसेंटेज ब्राउन राइस में इतनी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस कि व्हाइट राइस ऑलमोस्ट नॉन न्यूट्रिशियस राइस बन जाता है। और उसको मैं अगर सिर्फ बोलूँ तो वो एक फ्री सोर्स ऑफ कार्ब है जिससे हमको कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो एट द सेम मोमेंट ब्राउन राइस इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम मैं आपको बता दूं कि जिम करने के बाद जितनी भी सोरनेस होती है हमको मैग्नीशियम उसमें बहुत हेल्प करता है रिकवर करने में, वो सारी सोरनेस रिमूव होती है। जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं दे यूज टू टेक अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट टू रिमूव द सोरनेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, एंड ऑब्वियसली इसीलिए उनकी कंजम्पशन ब्राउन राइस की ज़्यादा होती है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं इसमें, एंड इन जनरल ब्राउन राइस में एंड व्हाइट राइस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्राउन राइस का बहुत लो है एंड एट द सेम मोमेंट व्हाइट राइस का ज़्यादा है। तो क्या होगा, उसकी ब्राउन राइस में इंसुलिन स्पाइक कम रहता है, व्हाइट राइस में इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्राउन राइस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइबर, उसके अंदर जितना भी फाइबर प्रेजेंस है वो क्या करेगा, जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में वो रिड्यूस करता है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट डिजीज कम होंगे, एंड उसके अंदर जो इंसुलिन स्पाइक धीरे धीरे होता है या बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वाइट राइस, तो उससे हार्ट डिजीज के रिस्क भी कम होते हैं। दैट इज वाई आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवार्ड्स ब्राउन राइस एंड इंस्टेड ऑफ वाइट राइस। तो वाइट राइस ऑब्वियसली लेस न्यूट्रिशियस है, बट ऑब्वियसली वाइट राइस करता है, ब्राउन राइस अगर हम खाते हैं तो डायबिटीज का या शुगर रहने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यू नो फाइबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात कर रहे हैं कि मसल बिल्डिंग की और फैट लॉस की, तो फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हमको मसल में फाइबर्स चाहिए देन ऑब्वियसली वी हैव टू ईट फाइबर्स, एंड उसका एक अल्टीमेट सोर्स क्या है, ब्राउन राइस। तो दैट इज वाई वी शुड ईट और एड ब्राउन राइस इन अवर डाइट। तो क्या होता है कि दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर, व्हेन वी आर नॉट वर्किंग आउट, तो हमारी बॉडी एक स्टेडी स्टेट पे है, वी आर नॉट बर्निंग कैलोरीज। सो उस मोमेंट पे इफ यू हैव टू ऑप्शंस टू ईट ब्राउन राइस एंड वाइट राइस, सो लोगों को या मैं क्या करूँगा, आई विल गो विथ यू नो ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में क्या होगा, ब्राउन राइस से जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं उसका बहुत कम चांस होगा कि वो एक फैट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यू नो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइबर वो क्या करेगा, उसकी डाइजेशन स्लो बना देगा, और एट द सेम टाइम जो व्हाइट राइस होगा उसकी डाइजेशन फास्ट तो होगी होगी, एंड उसका ज़्यादा चांस होगा कि जितनी कैलोरीज मैं उससे ले रहा हूँ या जितना कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहा हूँ उसका चांस रहेगा कि वो फैट की तरह स्टोर हो जाए। सो ये सब डिफरेंसेस थे ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में। सो अल्टीमेटली जब जब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो यू नो द कंक्लूजन इज लाइक दैट कि वी हैव टू कंज्यूम ब्राउन राइस इफ यू वांट टू गेट यू नो मोर बेटर रिजल्ट्स, एंड ऑब्वियसली इट इज मोर न्यूट्रिशियस देन व्हाइट राइस। सो हमको ब्राउन राइस कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज ऑफ जूस एंड न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशन वैल्यू इन दैट, जो कि मैंने आपको बताया है। सो आज का टॉपिक यही था गाइस, तो आपको टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वाइट राइस और ब्राउन राइस। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और प्रीवियस वीक में मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी हाउ टू बर्न फैट फास्टर, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज जाके चेक कीजिए, बिकॉज वो एक बहुत एडवांटेजियस होगी आपको वीडियो। एंड अगर आपने मुझे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज शेयरिंग से ऑब्वियसली मेरे चैनल ग्रो करेगा एंड ऑब्वियसली वो हेल्प होगी। So thanks in advance guys for sharing and subscribing to my channel. Until the next video, peace.